चाचा दोस्त मनन। क्या हाल है दादा ना? खैरियत तो है ना बाबा? हाँ दादा ना, खैरियत तो है। जल्दी जल्दी आओ रे, चने सर आया है उताक में। ठीक है दादा ना, तुम चलो, हम आ जाएंगे बाबा टाइम पे। आ जाएंगे उताक में, जल्दी आ जाओ। जलता हूँ, जल्दी पहुँचो। चने सर खान क्यों आया हमारे गांव में? खैरियत तो है ना? अरे भाई, आया होगा, बोलेगा दरिया में साई पानी बहुत आ गया है। बाबा अपना बंदोबस्त करो, इधर से जाओ भाई, तुम अपना काम करो यार। भाई एक बात है, हम अपना ये गांव नहीं छोड़ेंगे, अपना घर नहीं छोड़ेंगे। ये दरिया मेरा घर है और मैं इस घर को कैसे छोड़ूंगा? भाई दादन खैर तो है, क्या बात है? जल्दी उताक में आ जाओ, रेस आ गया है। ठीक है, जल्दी आ जाओ भाई। खुदा खैर करे, पता नहीं रेस ने अचानक क्यों बुलाया है। अरे भाई क्या पता, बिरयानी लेकर आया हो। अरे भाई जल्दी काम निपटाओ, दो तीन मछलियाँ पकड़ लो ताकि जल्दी चले। दोस्त मनन नहीं आया? दोस्त मनन किधर है? नहीं आने वाले है। खैर खुश ठीक ठाक? अस्सलाम रहे। अरे भाई किधर है यार? खुश हो दोस्त मनन? कैसे हाल है? बाबा क्या हाल है? खुश हो ठीक ठाक? अच्छा बैठो बाबा। मेरी किधर बैठो, जगह है छोटी? अभी बैठेंगे तो कुछ काम की बात भी करेंगे। और आप बाबा, सब लोगों को मेरा सलाम, सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा तुम लोगों को पता है कि मैंने गोठ वालों को इधर क्यों जमा किया है? क्योंकि गांव में अब बोर्ड आने वाली है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए बाबा गोठ वालों को मेरा सलाम मशवरा करना जरूरी है, इसीलिए मैं अपने गांव से इधर आया हूँ तुम लोगों के पास। रोशन खान, तुम लोग मेरे राजभाग वाले हो, इसलिए मैं तुम लोगों को बताने आया हूँ कि 2010 में जो बोर्ड आई थी उससे कई हिसाब बोर्ड आ रही है यहाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग ऐसा करो, पति की तरफ सारे चले जाओ, फिर जब ये बोर्ड खत्म होगी तो फिर सारे वापस आ जाएंगे। बिल्कुल रेसा, आप सच बोल रहे हैं, आप हमारे बड़े हैं बाबा। रेसा आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मगर दोस्तों मगर क्या, खुलकर बताओ ना हमें बाबा। रेस हम नहीं जा सकेंगे, हम बाबा अपना घर नहीं छोड़ सकेंगे। हमारे इतनी भैंसे हैं, बकरियां हैं, वो शहर में हम कहाँ लेके जाएंगे? दोस्त मोहम्मद अब तो कह रहे हैं कि 2022 में जो आएगी ना बोर्ड, वो उससे ज़्यादा कई हिस्सा ज़्यादा आएगी, उसमें तो हमारे प्यारे भी काफ़ी बेचारे बह गए थे। बाबा जिसको भी जाना है वो भले आपके पास जाए, मगर हम नहीं जा सकेंगे। वैसे हम नहीं जा सकेंगे, शहर में पता नहीं कितने बच्चे उधर पढ़े लिखे बैठे हुए हैं बाबा, उनको चपरासी की नौकरी नहीं मिलती तो हमारे बच्चों को कहाँ मिलेगी? हमारे बच्चे यहाँ मछली का काम करते हैं दरिया में, तो ये काम भी कम नहीं है, भूखे नहीं मरेंगे। यही सोचा है कि हमें कुछ टाइम शहर की तरफ रहना पड़ेगा। रस हमने बाबा बोल दिया, ये हम हाथ जोड़ते हैं, हम अपने घर नहीं छोड़ सकेंगे। दोस्त मोहम्मद
मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम मुकम्मल जाके शहर में रहो। आप हमारे राजबाग वाले हैं, आप बड़े हैं, मगर साईं बाकी मुकद्दर में मौत लिखी है तो बाबा वो इधर भी मरेंगे, हम शहर में भी मरेंगे, मगर हम अपने ये आथा नहीं छोड़ेंगे बाबा। बाबा जब दरिया का पानी सूख जाएगा तो तभी हम वापस फिर अपने गोठ में चले आएंगे। सर अदा सही कह रहा है, जब पानी ज्यादा होगा तो हम बंद पर आकर बैठेंगे, लेकिन शहर नहीं जाएंगे। दोस्त ममन, जैसे आपकी मर्जी, मेरा फर्ज था आपको बताना। बाबा वहाँ स्कूल है, अस्पताल है, सारी सहूलतें हैं हमारे वहाँ, तुम्हारे बच्चे भी पढ़ेंगे, तुम लोगों के सारे बच्चे उधर अच्छी तालीम हासिल करेंगे, कुछ ये भी तो सोचो ना। अदा भाई, दोस्त मोहम्मद तुम जिद ना करो, रेस जो कह रहा है उसका कहना मानो यार। हाँ सही, आप हमारे बड़े हैं, आप जो भी कहेंगे हमें मंजूर है। तुम लोग तो पढ़े नहीं, बच्चों को तो आगे पढ़ाओ ना तुम। अरे बाबा, दोस्त मोहम्मद अपना नहीं तो अपने बच्चों का ख्याल करो, दरिया को क्या पता कि ये दोस्त मोहम्मद के बच्चे। वैसे आपका हुक्म करो, ऐसा ही होगा। भाई दोस्त मोहम्मद, कभी कभी बड़ों का कहना मान लिया करो। दोस्त मोहम्मद, मुझे पता है MNA MPA के पास हमारे वोट की इज्जत नहीं है। MPA को जब हमारे वोट का पता चल जाएगा ना, तो हमसे नौकरी का पैसा क्यों मांगेंगे। मेरा एक दोस्त शहर में रहता है, उसने अपने बेटों को बहुत पढ़ाया है, कभी MPA के पास जाता है तो कभी MNA के पास जाता है, मगर वो मिलते ही नहीं। उनके नौकर बोलते हैं कि 8-10 लाख रुपए लेकर आओ तो नौकरी मिलेगी। ठीक है बाबा, जिनको मेरे साथ चलना है ना वो हाथ ऊपर का है। बिल्कुल रईस, आप हमारे बड़े हैं, जो आपका हुक्म होगा हम सर आंखों पर करेंगे। अच्छा बाबा ठीक है, कल निकलने की तैयारी करो ताकि हम अपना उधर भी बंदोबस्त कर सकें रहने का। तो कानो अल्लाह खैर करेगा बाबा। भाई हमसे भी कोई गलती वगैरह हो गई हो तो यार हमें माफ कर लो। आप सब पानी उतर जाए तो आ जाना, ये दरिया मेरा घर है, हम इनको नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। अच्छा भाई, दोस्त मोहम्मद अभी हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। पानी उतर जाए तो वापस आ जाना बाबा। जरूर जरूर, अल्लाह अल्लाह खैर करेगा, जरूर आएंगे साईं बाबा। Thank you.